हाय वीवर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मीठी बूंदी की रेसिपी। आसान फूड रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेसन की मीठी बूंदी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप यानी कि 200 ग्राम बेसन। अब इस बेसन में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर बना लेंगे। 1 कप बेसन का घोल बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है, लेकिन हमने सिर्फ 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें लम्ब्स ना रह जाए। रायते की क्रिस्पी बेसन की बूंदी कैसे बनाएं, इसकी रेसिपी भी हमने शेयर की है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल ऐड करने के बाद हम इसे लगातार 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। तेल डालने के बाद हमने इसे लगातार 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसे रखे हुए 10 मिनट हो चुकी है, अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए और फेंटेंगे। जैसे कि हमने आपको रायते की बूंदी वाली वीडियो में भी बताया था कि जब हम बैटर को इस तरह से चम्मच की मदद से गिराते हैं और ये एक धार में गिरता है, बीच में से टूटता नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो बैटर है वो बूंदी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसकी बूंदी बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इस बैटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैटर को 3 बोल्स में ट्रांसफ़र कर लिया है। 1 बोल में हमने बैटर का आधा हिस्सा लिया है और बाकी के 2 बोल्स में हमने 1/4 हिस्सा लिया है। अब हम 1 बोल में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ग्रीन फूड कलर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस बोल में हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब फ्राई करते हैं हमारी रंग बिरंगी बेसन की बूंदी को। बूंदी को फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में तेल गरम कर लिया है। जब हम इसमें एक बूंदी डालकर देखेंगे और वो फूल कर ऊपर आने लगे, इसका मतलब ये है कि तेल अच्छे से गरम हो चुका है। बूंदी बनाने के लिए हम इस तरह का एक झारा लेंगे और दूसरे हाथ की मदद से इस तरह से इस पर बैटर डालते रहेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि हम मीठी बूंदी बना रहे हैं, इसलिए हमें बूंदी को ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसे मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाएंगे। एक से डेढ़ मिनट के बाद हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी की बूंदी को भी मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सारी बूंदी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम बनाएंगे बूंदी की चाशनी। इसलिए हम एक पैन में लेंगे 1 कप यानी कि 200 ग्राम चीनी और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप यानी कि 100 ml पानी, यानी कि जितनी हम चीनी लेंगे उसका आधा हमें पानी लेना है। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, चीनी पानी में अच्छे से घुल चुकी है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर और हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो बूंदी की चाशनी है वो बनकर तैयार है। हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे हमारी फ्राई की हुई बूंदी। देखिए, यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि जब हम इसमें बूंदी ऐड करेंगे तब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद हमने इसमें बूंदी ऐड की और चाशनी के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारी मीठी बूंदी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे।
तो खाने के लिए तैयार है हलवाई जैसी घर पर बनी हुई मीठी बूंदी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और ऐसी ही आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।